रात खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा। यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम तीन बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने प्रार्थना की। नहीं तो जो तूने कहा मैं वही करूंगा। अचानक एक ज्योति चमकी। यहां पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई। यहूदा ने यह दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे, किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। दो और लोगों ने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का तीन बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया।